मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इन दिस सेशन आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को मैं आसान अल्फाज में बताऊंगी ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाए, जल्दी से पॉइंट को पिकअप कर लें, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की एक इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की जो सोशल लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारी जो ज़िंदगी है, सोशल लाइफ, उसके अंदर आप अगर देखें तो पॉलिटिकल साइंस की जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो यह एक तरह की हमें डील कर रही होती है, हमारी सोशल लाइफ को पॉलिटिकल साइंस डील कर रही होती है। अच्छा जी, अब इसकी जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है इसका? बेसिक फंक्शन यही होता है कि एक पूरी सोसाइटी है, उसके अंदर बहुत से इंडिविजुअल रह रहे हैं, उस इतने ज़्यादा इंडिविजुअल में से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं और उसको अपनी उसको पावर दे देते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप इसको यूज़ करें, ठीक है। अब वो शख्स जिसको हम लोगों ने इलेक्ट किया होता है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी में रहते हुए, उस सोसाइटी में रहते हुए उस पावर को यूज़ करेगा, उस अथॉरिटी को यूज़ करेगा और फिर आप सबके ऊपर कंट्रोल करेगा, यानी कि सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करेगा। सेम जैसे अगर हम लोग अपने सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर कोई लीडर इलेक्ट करते हैं, उसमें भी हम लोग किसी को, वो भी एक इंडिविजुअल ही होता है और इंडिविजुअल होने की हैसियत से हम लोग उसको एक पावर देते हैं, एक अथॉरिटी देते हैं और फिर वो उस पावर या अथॉरिटी को यूज़ करता है और फिर हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करता है या सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये एक बेसिक फंक्शन था पॉलिटिकल साइंस का। आजकल के एग्जांपल में जो करंट आजकल की जो सिचुएशन चल रही है इसे थोड़ा सा बता देती हूँ। कोविड-19, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद जब देखा गया कि इससे बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि के इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, स्टेट, इन लोगों ने क्या देखा कि हाँ बहुत से लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो अब हम लोगों इन लोगों को प्रिकॉशंस करने के लिए कह देते हैं, कुछ प्रिकॉशंस दे दी, बता दी और स्पेशली कह दिया गया कि तमाम इदारे बंद रहेंगे, घरों में सब लोग रहेंगे, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सब लोग जानते हैं इस सिचुएशन से गुजरे हुए हैं तो गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ एक तरह की किसने इम्पोज की हमारी सोशल लाइफ पे? हमारी सोशल लाइफ थी, हमारी सोशल लाइफ पे किस चीज़ ने इम्पोज किया या किस चीज़ ने हम पे एक तरह का अपना कंट्रोल किया? पॉलिटिकल साइंस के इंस्टीट्यूशंस ने, यानी गवर्नमेंट ने, स्टेट ने। तो आप इससे, इस एग्जांपल से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाँ वाकई पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का आपस में लिंक है। जब हम लोग सोशल लाइफ की बात करते हैं तो इट मीन्स वो सोसाइटी के अंदर होगी सोशल लाइफ, तो सोसाइटी की जब स्टडी करते हैं तो वो सोशियोलॉजी से लिंक करते हैं ना। तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का आपस में इस तरह से लिंक है। तो जो सोशियोलॉजी है ये डील करती है सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी डील करती है। सो एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो सोसाइटी में रहते हुए जो हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ का एक तरह का हिस्सा है। आपका वोट डालना ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन ये आपकी सोशल एक्टिविटी के अंदर भी का भी एक पार्ट है, ठीक है। वोट कौन डालने जा रहे हैं? हम लोग जैसे लोग डालते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। अब वोट कास्ट करते हैं ये एक सोशल एक्टिविटी है और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है, तो लिंक बन रहा है ना पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का आपस में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस होती भी हैं और इन्फ्लुएंस करती भी हैं, किसको करती हैं? सोशल लाइफ। किसकी सोशल लाइफ? इंसान की सोशल लाइफ। तो इंसान की जो सोशल लाइफ है उसको इन्फ्लुएंस करती भी है और उससे इन्फ्लुएंस होती भी है, ठीक है। जैसे वोट कास्ट किया ये एक सोशल लाइफ थी हमारे, मतलब सोशल एक्टिविटी थी। इस चीज़ से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है? पॉलिटिकल साइंस की जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स्टेट इन्फ्लुएंस हो रही है, तो ये इन्फ्लुएंस करती भी है, ठीक है, और होती भी है। अब इसी तरह ही अगर पॉलिटिकल साइंस के दौरों में से जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, इसने कोई काम, कोई लॉ बना दिया, उसने सोसाइटी के ऊपर इम्पोज करना है कि सोसाइटी इसको फॉलो करे, तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो इन्फ्लुएंस कर भी रही हैं और हो भी रही हैं। सो इस तरह आप लोगों को रिलेशनशिप और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या रिलेशनशिप है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ कंसर्न करती है स्टेट से, गवर्नमेंट से, इस तरह की चीज़ों से, जबकि जो सोशियोलॉजी है वो स्टेट से भी कंसर्न करती है, गवर्नमेंट से भी कंसर्न करती है। क्यों? क्योंकि उसकी ह्यूमन एसोसिएशन होती है, लोगों के साथ होती है, लोग उससे एसोसिएट होते हैं। जाहिर है मेरा भी ताल्लुक, आपका ताल्लुक, हम सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ लाजमी है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ लाजमी है,
स्टेट के साथ लाजमी है, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमें इसके बगैर हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। तो इसका कहीं ना कहीं हमारे पर इन्फ्लुएंस है, हमारी इसके साथ एसोसिएशन है पॉलिटिकल साइंस के साथ, स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो पॉलिटिकल साइंस का और सोशियोलॉजी का यहाँ पर भी आपको रिलेशन मिलता है। ओके तो जो हम लोगों की जो पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजिंग आ रही होती हैं, या जो इलेक्शन का सिस्टम है, या जो गवर्नमेंट है उसका अप एंड डाउन होना, राइज एंड फॉल आना, और जो इलेक्शन सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो है ये एक हमारी सोसाइटी से भी लिंक करती हैं और स्टेट से भी लिंक करती हैं। तो जब सोसाइटी की बात की जाएगी तो हमें फौरन से पता चल देगा ये सोशियोलॉजी के अंडर आता है। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स जो पॉलिटिकल टाइप्स प्रॉब्लम होंगी या उस तरह के इश्यूज़ होंगे, हमें पता चलेगा ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर आते हैं। तो इन दोनों में इन इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी वाले दोनों ही स्टडी करते हैं। ओके इसके अलावा जो हम लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स हैं, यानी सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, वो कौन स्टडी करते होंगे? ऑब्वियसली सोशियोलॉजिस्ट करते होंगे। तो सोशल प्रॉब्लम्स लाइक आपकी जो कम्युनिकल जो है रूट्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों का जो मुस्लिम्स होते हैं, जो हिंदू होते हैं, इनमें जो फ़र्क है, या जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ फ़र्क, ये कम्युनिकल कम्युनल रूट्स हैं। स्पेलिंग बोल देती हूँ, COUNAL कम्युनल रूट्स, RIOTS। ओके इसके अलावा जो दूसरा है रेशल टेंशन से मुराद कि आपकी जो रेसिस के लिहाज से है, रेसिस से मुराद आप का गोरा और काले के दरमियान में जो फ़र्क है, इस चीज़ के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो वाइट पीपल हैं या जो नेग्रोज हैं या जो एशिया से ताल्लुक़ रख रहे हैं, जो यूरोप से ताल्लुक़ रख रहे हैं वो लोग, या जो कोई और ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि आप लोगों की सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर, पाकिस्तानी स्टेट के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, उसके बाद दूसरी किसी और स्टेट के साथ कोई इशू है, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये सारी क्या हैं? सोशल प्रॉब्लम्स हैं और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इनसे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ जी वाकई पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं और सोशल इश्यूज़ भी हैं सोसाइटी में, और दोनों को, इन सब इश्यूज़ को पॉलिटिकल वाले भी डील करते हैं और सोशियोलॉजी वाले भी डील करते हैं। तो अभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस वालों का आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं। तो इसके द्वारा कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके तो डिफरेंसेस हैं कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी करता है, और जो पॉलिटिकल साइंस होगा वो किसकी स्टडी कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की स्टडी कर रहा होगा, स्टेट की स्टडी कर रहा होगा, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी स्टडी कर रहा होगा। तो जो सोशियोलॉजी है वो तमाम तरह की सोसाइटीज़ की स्टडी करता है। अब तमाम तरह की सोसाइटीज़ में आपकी ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, अनऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनाइज ऐसी सोसाइटीज़ जो प्रॉपर एक वे से चल रही होती हैं, जिनका प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल रही होती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज जो नॉर्मल, जिसमें ना कोई टाइम है, कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मल नहीं है, कुछ भी फॉर्मल नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सोसाइटी है, ठीक है। अब जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें किसकी स्टडी की जाएगी? सिर्फ ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ की स्टडी की जाएगी। आपने देखा होगा जो आपकी पार्लियामेंट है, सेनेट है, स्टेट है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के जो हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं। स्टेट हमारी ऑर्गेनाइज्ड है, उसका कोई टाइम है, प्रॉपर फिक्स टाइम है, किसी की कोई ना कोई मियाद बता दी गई होती है कि इसका इतना टाइम है, इसका इतना टाइम है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ में आ जाती हैं पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले ऑर्गेनाइज की स्टडी करते हैं, जबकि जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है मैंने लास्ट लेक्चर में भी, कि इसका वाइडर स्कोप है, क्योंकि ये सब डिसिप्लिन्स की स्टडी करता है। सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करता है, जो सोसाइटी के अंदर सारे डिसिप्लिन आ जाएंगे, तो इसलिए ये वाइडर स्कोप रखता है, जबकि पॉलिटिकल साइंस वाले जो हैं वो नैरो स्कोप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि स्टडीज मैन एज अ सोशल एनिमल, जो पॉलिटिकल साइंस जो सोशियोलॉजी वाले हैं वो सोशल एनिमल के तौर पर स्टडी करते हैं, मतलब सोसाइटी को, और जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो इंसान को ऐसे स्टडी करते हैं कि वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, इस वे से स्टडी करेंगे। तो स्टडीज़ ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये सब हर तरह के रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं उनका सिर्फ फोकस होगा कि पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस होगा, पॉलिटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं।
और जो सोशोलॉजी है ये अपना मेथड यूज़ करते हैं, अपना इनका मेथड होता है स्टडी करने का, पॉलिटिकल साइंस वालों का अपना मेथड होता है स्टडी करने वाले करने का. तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. कमेंट करें, लाइक.